हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। तो आज सुबह सुबह दोस्तों मैं आज ना 6 बजे से व्लॉग शुरू कर रहा हूं और हम लोग जा रहे हैं जुताई करने और हम लोग को उड़द लगाना है दोस्तों। तो उड़द लगाने के लिए हम लोग को खेतों को तो तैयारी करना जरूरी है। तो हम लोग ना फटाफट से सुबह उठे, पापा जो है चले गए और अपना गाड़ी भी रेडी हो चुका है। तो आज आप लोगों को लेकर चलूंगा और दिखाऊंगा कि हम लोग किस प्रकार से जुताई करेंगे और किस प्रकार से वहाँ का घोड़ा को तैयारी करेंगे दोस्तों। तो सुबह सुबह का टाइम है, अपना जीजा जी भी इधर आ चुके हैं, ठीक है, ब्रेड लेके जा रहे हैं भाई। हाँ। जोतने जा रहे हैं, नाश्ता के लिए ला दिया था, ये पता नहीं है। अच्छा, बिना नाश्ता के जोत देता है, फिर इसका मतलब क्या है, तबीयत खराब होता है। कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी। अरे ये जो आदमी है ना, ये पैसा के पीछे भागता है। इसको मतलब टाइमिंग मैंने इसका टाइम मैंने फेल कर देता है, कभी कभी इसका ड्यूटी भी छोड़ के चला जाता है। अच्छा, ऐसा क्या आदमी है वो, अपना जीजा जी है ना, कुछ भी बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरा साला है जोरदार हीरो है। हाँ। और ये टाइम का प्रबंधी रखता है और जोरदार काम करता है, लिमिट में काम करता है। हाँ। पैसा छापता है। हाँ। हम लोग जैसे ऐसे हेल्प और कुछ और क्या बोलूं सर, और क्या बोले, इसका मतलब यूट्यूब चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और इसको मतलब बेल आइकन दबाए और जोरदार से इसको मतलब, अरे अपना जीजा जी का सपोर्ट है ना, फुल सपोर्ट है दोस्तों, ठीक है। सुबह सुबह ब्रेड लेने के लाए हुए थे और जा रहे हैं और सुबह सुबह आप लोगों को बहुत कुछ बोल दिए दोस्तों और मेरे को भी बहुत कुछ बोल दिए। तो देखिए गाड़ी अपना हो गया दोस्तों रेडी और हम लोगों ने तेल अभी नहीं डाला है, तो तेल जो है पापा लेके गए हैं जार्किन वो बोतल में। तो हम लोग वहाँ पे जाके जोताई करेंगे, यहाँ से लगभग वही 1 किलोमीटर लगभग की दूरी में होगा दोस्तों। तो आप लोग को लेके चलूंगा और मेरा भाई जो है आज सुबह ही उठ गया है और दुकान वकान खोल करके बैठ गया है। देखिए कैसे, गुड मॉर्निंग, और देखिए पूरा झाड़ू पोछा लगा करके पूरा बैठा है, ठीक है। बस अभी सुबह सुबह हम लोग जो है सुबह ही दुकान खोल देते हैं दोस्तों, क्योंकि अपना गांव क्षेत्र में है तो लोग सुबह ही दुकान आना शुरू कर देते हैं। तो अभी जाऊंगा दोस्तों, आप लोगों को दिखाऊंगा और आप लोग जो है वीडियो के शुरू से लेकर आखिर तक बने रहेगा। तो आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो मेरे चैनल पर पहली बार आए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को फिर सेट कर दीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो तगड़ा होने वाला है। क्योंकि वहां का जो घोड़ा है दोस्तों पता नहीं किस तरीके का है, पापा बोल रहे थे कि एक बार जुताई किए हैं, बाद बाकी घास घास है। तो चलिए जाके देखते हैं, क्या पता ये ट्रैक्टर जुताई कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो आप लोग जो है वीडियो के शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिएगा। तभी यहाँ से मेरे को उसको चला करके लेना पड़ेगा। तो आप लोगों से मिलूंगा सीधा दोस्तों घोड़ा पे और घोड़ा का आप लोगों को नजारा दिखाऊंगा। बाद बाकी पापा चले गए हैं और भी पापा शायद फोन करके बुलाएंगे, उससे पहले मेरे को जाना पड़ेगा। तो चलिए सीधा मिलते हैं दोस्तों घोड़ा में, चालू करके देखते हैं गाड़ी को। गाड़ी हो गया दोस्तों स्टार्ट और ऐसा ही चालू कंडीशन में मेरे को ले जाना पड़ेगा घोड़ा। तो सीधा मिलते हैं हम लोग घोड़ा पे। फाइनली दोस्तों मैं अपना घोड़ा पहुंच चुका हूं और आप लोगों को घोड़ा का नजारा एक बार दिखा देता हूं। और अपनी गाड़ी इधर आ चुकी है, मैं बड़ी मुश्किल से पूरा आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर लेकर के आया हूं चला करके। तो देखिए इस प्रकार से यहां का घोड़ा है दोस्तों, पूरा घास ही घास, क्योंकि जोताई किए थे लेकिन काफ़ी महीना हो गया तो ऐसा घास हो गया है। तो देखते हैं किस प्रकार से जुताई कर पाता है। बाद बाकी पापा रोटावेटर लेकर के आ चुके हैं, अभी जुताई करके देखेंगे। और मिट्टी थोड़ा ढीला ही है, ठीक है, तो लगता है कि बढ़िया से जुताई हो जाएगा। तो अभी जो है दोस्तों 6:30 बज रहा है, देखते हैं कितना बजे तक जुताई हो पाता है, जितना हो पाएगा उतना जुताई करेंगे। और बाकी अभी फटाफट से इसमें रोटावेटर लगाते हैं, उसके बाद जुताई स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो है ना कंटिन्यू बने रहिएगा, आप लोगों को मैं दिखाने का कोशिश करूँगा कि किस प्रकार से जुताई होता है, जुताई अच्छा से हो पाता है नहीं हो पाता है, ठीक है। तो लगाते हैं रोटावेटर, लग गया दोस्तों रोटावेटर, देखिए अब ये तैयार है जुताई करने के लिए। तो जुताई करने से पहले तेल भी डालना जरूरी है, तो तेल नहीं तो देखिए बोतल में लगभग 1.5 लीटर लगभग लाए हैं, इसमें डालते हैं और देखते हैं कितना जुताई हो पाता है। पूरा मन डाला था बचाना, तो तेल डल चुका है दोस्तों। और सुबह सुबह का टाइम है, बहुत ही ठंडा हवा चल रहा है और अच्छे लग रहे हैं और बादल, ठीक है, पूरा मौसम बादल बादल है। तो तेल डाल चुके पापा, ढक्कन कर देते हैं टाइट, स्टार्ट करके भी चलाते हैं। बाद बाकी मिट्टी थोड़ा सा ढीला है तो अच्छे ही जुताई हो पाएगा, तो देखते हैं किस प्रकार से जुताई कर पाता है, ठीक है। तो चालू करते हैं, अभी ऑन करो, ऑन किया, चालू पापा है ना जुताई करेंगे, आप लोगों को दिखाता है।
है गियर में जुताई हो रहा है। तीसरा गियर लग चुका है, एक्सलेट एक्सलेटर देखते काफी अच्छे जुताई हो जा रहा है। अच्छा से जुताई हो जा रहा है, देख पा रहे हैं दोस्तों किस प्रकार से हम लोग जुताई कर रहे हैं पापा के साथ मिल करके। थोड़ा देर मैं जुताई किया, अभी जो है पापा जुताई कर रहे हैं, तो देखिए किस प्रकार से जुताई हो पा रहा है। और दोस्तों अभी लगभग मतलब 7:15 हो रहा है, तो हम लोग देखिए आधा घंटे के अंदर अंदर हम लोग इतना जुताई कर दिए, ठीक है। तो आधा से बराबर ऐसा कुछ बाकी है, इधर कितना बाकी है और अभी इतना का मतलब बराबर बचा हुआ है दोस्तों, और अभी कंटिन्यू चल रहा है जुताई। देखिए तो किस प्रकार से जुताई हो पा रहा है, तो देखिए पूरा अभी अच्छा से जुताई हो रहा है दोस्तों, क्योंकि अभी पानी गिरा है और मिट्टी भी हल्का ढीला है, तो मस्त जुताई हो रहा है, ऊपर ही ऊपर, उतना टाइट नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार से आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो जुताई हो गया कंप्लीट, और जुताई करते करते पूरा हालत खराब, मतलब 1.5 घंटा लगभग लग गए इस घोड़ा को जुताई करने में दोस्तों। तो 1.5 घंटा हम लोग 1 लीटर तेल से पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि थोड़ा सा टंकी में पहले से ऑलरेडी था। तो आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ गाड़ी का कंडीशन कैसा दिख रहा है, पूरा घोड़ा को जुताई किया, फिर उसके बाद आप लोगों को घोड़ा का नज़ारा दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए लगता है पूरा चल चल के पूरा इसका पुर्जा ढीला हो जाता है बाकी, लेकिन वैसा प्रॉब्लम तो इस बार नहीं हुआ है, लेकिन ये वाला पत्ती हल्का ढीला हो गया है, तो इसको धो धा के दोस्तों टाइट करना पड़ेगा। तो देखिए घोड़ा का नज़ारा, जब इसको जुताई नहीं किए थे तो उस समय कैसा दिख रहा था, और अभी कैसा दिख रहा है दोस्तों आप लोग देखिए, ठीक है। पूरा जुताई करके कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो और इसको और एक बार करेंगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा, तब इसमें हम लोग कुछ ना कुछ खेती, उड़द की खेती कर सकते हैं। तो देखिए कैसा लग रहा है, ठीक है, पूरा जुताई कंप्लीट। और दोस्तों आप लोगों को ये पहाड़ वाला नज़ारा देख के आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग का जो खेती है दोस्तों, खेत है जिसमें हम रोपा लगाए थे, आप लोग ने अगर रोपा वाला वीडियो नहीं देखा होगा देख लीजिएगा, इसमें हम रोपा लगाए तो हम लोग का खेत ना इस साइड है, ये नहर है, तो नहर के उस साइड हम लोग का खेत है। तो आप लोगों को नहर का भी नज़ारा दिखाने के लिए लेके जाऊंगा बाद। बाकी दोस्तों घोड़ा का नज़ारा देखिए, ठीक है, पूरा कंप्लीट हो गया जुताई करके। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, हम लोग 1 लीटर तेल में पूरा जुताई कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो हो गया आज के यहाँ कंप्लीट जुताई, और बगल वाला घोड़ा भी हम ही लोग का है, तो उसको हम लोग अगली बार करेंगे। तो चलिए आप लोगों को दोस्तों मैं नहर साइड लेके चलता हूँ, नहर में कैसा पानी बह रहा है, कितना पानी बह रहा है कैसा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और नहर का नज़ारा देखेंगे, आप लोगों बनी रहिए। दोस्तों मैं नहर साइड पहुँच चुका हूँ, तो देखिए ये नहर नहीं है दोस्तों, ये नहर है, ठीक है, ये नहर है अपने साइड का, ठीक है। तो अभी नहर में पानी आना शुरू ही हुआ है, अभी बहुत भयंकर बारिश में दोस्तों ये पूरा नहर तरीके से क्लियर हो चुका है, लेकिन फिर भी ये झाड़ झंकड़ बचा हुआ है। तो देखिए इस प्रकार से इधर हम लोग का नहर है, ठीक है, इसमें इधर नीचे जाता है और कई लोग उधर है ना सिंचाई करते हैं अपना खेती बाड़ी को। तो इस प्रकार से हम लोग इधर नहर का नज़ारा है दोस्तों, ठीक है। और सुबह सुबह, और अभी जो टाइम भी हो रहा है ना, कितना हो रहा है बताता हूँ आपको, तो 8:30 हो रहा है और ना अभी तक सूर्य का कोई दर्शन नहीं, क्योंकि देखिए पूरा बादल छाया हुआ है दोस्तों, तो लगता है और मौसम का माहौल बना रहा है, तो कुछ दिनों के बाद फिर मौसम करेगा, इतना गिरेगा पानी की दिमाग खराब हो जाएगा, बाहर निकलने में परेशानी हो जाएगा। तो ठीक है, बारिश तो अच्छी बात है आज, बाकी दोस्तों अभी सूरज अभी तक निकला नहीं है, तो नहर आप लोगों को नज़ारा दिखाया। तो दोस्तों आज का व्लॉग सोचते हैं यहीं पर ख़त्म करते हैं, कितना आप लोगों को दिखाऊँ, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट आप लोगों को दिखाऊँगा किस प्रकार से और हम लोग काम करेंगे। तो दोस्तों आप लोग जो है ना
मेरे चैनल पे बनी रहेगा। और आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा, और जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों। तो ठीक है, आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, और आप लोग अच्छे रहिएगा, हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे दोस्तों। बाय।